देवास में चिमनाबाई स्कूल में गौतम बुद्ध जयंती के अवसर पर छात्राओं को गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं से अवगत कराया गया। छात्राओं को बताया गया कि भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए सत्य अहिंसा के मार्ग पर जब से हमने चलने का संकल्प लिया है, तब से लेकर आज तक हम सत्य अहिंसा एकता भाईचारा एवं आपसे प्रेम के मार्ग पर चलकर मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं और करते रहना चाहिए। इस दौरान एक छात्रा ने गौतम बुद्ध की वेशभूषा पहनकर सभी छात्राओं को संबोधित किया और गौतम बुद्ध की शिक्षा से अवगत कराया और उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये महारानी चिमनाबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। आज बुद्ध भगवान की जयंती है और गौतम बुद्ध जो है ये भारत के एक महान ऋषि हुए हैं और न केवल इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रारंभ किया था, वरन अहिंसा का जो एक संदेश भारत में फैला है वो उसके पीछे गौतम बुद्ध की ही प्रेरणा है। और ये गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में आज से लगभग 2500 साल पहले रही थी। उनकी शिक्षाओं को यदि हम आज भी लागू करें तो इस विश्व में चारों ओर शांति का वातावरण हो सकता है और इसी शांति के लिए भारत के जितने ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने प्रयास किया है। आज एक बालिका भी संबोधन कर रही थी, किस रूप में थी और क्या संबोधन किया बालिका? यह बालिका आज गौतम बुद्ध के वेश में थी और इनके द्वारा गौतम बुद्ध की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उनको लेकर बालिकाओं को संदेश दिया जा रहा था। क्योंकि कई बार कक्षा में जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे उसको प्रश्नोत्तर की तरह याद करके भूल जाते हैं, लेकिन यदि हम कोई जीवंत प्रतीक सामने रखें और फिर उसके द्वारा हम कुछ बच्चों को संदेश देते हैं तो बच्चों को ये संदेश बहुत समय तक याद रहता है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने एक बालिका को गौतम बुद्ध के गेटअप में तैयार करके और उनके श्रीमुख से गौतम बुद्ध के संदेश को बालिकाओं तक पहुँचाया। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रसून पंड्या है और इस कार्यक्रम की प्रेरणा हमको प्राचार्य श्रीमती दिव्या निगम के द्वारा प्राप्त हुई है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।